हेलो हेलो, मैं हूँ जेडी और आप मेरे साथ देख रहे हैं पत्ते की बात। तो आइए चलिए इस पोकर की दुनिया में जहाँ किस्मत से ज्यादा दिमाग काम आता है। इस पॉकेट 52 पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल के कैप्टन्स के सिटिंग होगा एक और हैंड आपको ला रहा हूँ मैं। एंड ये ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड एक्शन है, जिसका मतलब सब लोग फोल्ड कर चुके हैं जिन्होंने स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड पोस्ट करी थी, वो हैंड में इन्वॉल्व है। तो देखते हैं, श्रीहर्षा के साथ स्टार्ट करते हैं, दिल्ली के कैप्टन है एंड कनिष्का सामन चेन्नई को रिप्रेजेंट करते हुए। लुक एट द एक्शन, ही कम्स इन विद अ लिम एंड एड्स हैं कनिष्का के पास, तो कनिष्का विल डिसाइड टू प्ले दिस अग्रेसिवली। ब्लाइंड वर्सेस ब्लाइंड हैंड आना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे हिसाब से रेज यहाँ देखिए रेस करते हुए। एंड श्रीहर्षा किस प्लान के साथ आए हैं अपने एज डूस के वो पता चलने को मिलेगा। लिम्प रेस भी कर सकते हैं हैंड अगर उनको लगता है उनका जो बिग ब्लाइंड है वो ज़्यादा लिम्प के अगेंस्ट रेस करता है। ही जस्ट डिसाइड्स टू कॉल, इतना अच्छा बोर्ड तो नहीं है ऑब्वियसली एज डूस के लिए। कनिष्का के जो एग्जैक्ट हैंड है उसके लिए अच्छा बोर्ड नहीं है, लेकिन जो वो रेंज है उनके पास ज़्यादा किंग्स है, उनके पास ज़्यादा टेन है, प्री फ्लॉप वही बड़े फेस कार्ड वाले पत्ते वो रेस करेंगे, तो यहाँ उनके पास क्वीन जैक भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो ये बैट कर रहे हैं। चाहते हैं उनका ओपोनेंट एसआई वाले जैसे हैंड छोड़ दे जिनके पास थोड़ी इक्विटी जरूर है। श्रीहर्षा के पास यहाँ बैकडोर फ्लश ड्रॉ है, वो एस ऑफ हार्ट्स है, रियली क्रूशियल कार्ड, तो मेरे हिसाब से कभी कभी कंटिन्यू करेंगे, वो डिसाइड करते हैं कंटिन्यू करने से। और टर्न पे चार आया, चार से क्या हुआ, इफ अ फाइव रोल्स अप ही मेक्स अ स्ट्रेट, सो ही पिक्स अप मोर इक्विटी फॉर श्योर। एंड कनिष्का को बिल्कुल पसंद तो नहीं आया होगा व्हेन ही गेट्स कॉल्ड ऑन दिस बोर्ड, तो चेक करा है अब श्रीहर्षा ने। ही डेफिनेटली वांट्स टू सी अ चेक कि रिवर पे एक और पत्ता मिले, एंड ही गेट्स टू सी अ चेक एंड रिवर कंप्लीट्स द जैक ऑफ हार्ट्स, जिससे फ्लश ड्रॉ कंप्लीट हो गया है। किसी के पास एस क्वीन है तो वो स्ट्रेट होता है। अब श्रीहर्षा के पास एस ऑफ हार्ट्स है, उनको ये पता चल रहा है कि नट फ्लशेस किसी के पास नहीं हो सकते, मतलब बेस्ट फ्लश किसी के पास नहीं हो सकता, एंड एस क्वीन होना कम पॉसिबल है क्योंकि वो एस एक ब्लॉक कर रहे हैं। देखते हैं इसको वो ब्लफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और क्या कनिष्का उनकी बात मानेंगे यहाँ पर। श्रीहर्षा सोच रहे हैं काफी, देखते हैं क्या सोच रहे हैं कितना। और बेट देखिए 5600 पॉट के में 7000, मतलब पोलराइज कर रहे हैं अपने को, या ब्रो मेरे पास नट्स है या कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो एस ऑफ हार्ट्स होना इतना क्रूशियल है उनके हैंड में कि वो जानते हैं कि उनके ओपोनेंट पे यहाँ पर कभी नट फ्लश नहीं हो सकता, एस क्वीन मुश्किल है। तो काफ़ी पोलराइजिंग प्ले, जिसमें कनिष्का को अपने एट्स तो उस बोर्ड के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे, तो उनके लिए और आसान फोल्ड हो गया, लेकिन ब्लफ निकल गया श्रीहर्षा का थ्रू।